हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है बाबूबशर। भारत की इंसानियत और पाकिस्तान की हैवानियत देख पूरी दुनिया हैरान। मसला क्या है वो मैं बताता हूँ। एक हरामी वडेरे हैं हमारे पास सिंध के अंदर। एक हरामी वडेरे के फसल जो थी उसके अंदर कोई एक ऊंट चला गया उधर। कुछ उसने थोड़ा सा बच्चा था ऊंट का, उसने थोड़ा सा कुछ मतलब वहां से घास खाया होगा, कुछ खाया होगा, तो उस हरामी वडेरे ने आके उसकी टांग काट दी। उस बेचारे ऊंट की टांग काट दी और पूरा पाकिस्तान इस टाइम इसको मांड रहा है, इस हरामी बंदे को। इसको पकड़ भी लिया गया लेकिन वडेरा सिंध में वडेरा शाही है गाइस। वडेरे आपको पता है क्या होते हैं? अब एक गांव है उसमें एक वडेरा है, दो तीन वडेरे की फैमिली है। वो पूरा गांव उनसे डरता है, गुलामों की तरह वो गांव उनके सामने रहता है। ये होते हैं वडेरे। और मैं हमेशा, आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको याद होगा कि हम वडेरों के खिलाफ कितना बोलते हैं। और दूसरी बात, फिर इंसानियत इंडिया की चक्कर। वडेरे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बीच में कुछ गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो बिल्कुल जुल्म करते हैं भाई। और दूसरी तरफ मैं बोलूंगा इंडिया की फिर इंसानियत देखो। उस ऊंट के लिए आर्टिफिशियल टांग इंडिया से, इंडियन बंदे ने दी, इंडियन बंदे ने भेजी है, बिजनेसमैन ने। पहले देखते हैं दुबई के थ्रू आई है, पहले देखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा है। तो पहले काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल लिंब तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए, कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊंट ने खा लिए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और क्या हो गया लोगों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, क्या हो गया है? मौत को क्यों भूल गए हो? उसकी जो इंडिया की तरफ से एक सिटीजन है वहाँ के राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफर किया है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। इंडिया ने वो जो काम किए, उनके सिटीजन ने, जिसने भी ये काम किया उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर मुसलमानियत कहाँ है, कहाँ है हमारे अंदर इंसानियत? लेकिन इस खबर से इंसानियत मरी है भाई, इंसानियत इंडियन दोस्तों का इंसानियत नहीं है। आर्टिफिशियल लिंब जो है उस रास्ते दर्द के मारे ऊंट के लिए भिजवाया है। भारत में जो इंसानियत है इस वाक्य से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक ऊंट के साथ हुई बर्बरता की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। यहां संगर जिले में एक जमींदार ने अपने खेत में घुसने पर ऊंट का पैर ही काट डाला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि ऊंट के पैर काटने की चारों तरफ आलोचना के बाद अधिकारियों ने बताया कि उसे कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। संगर के डिप्टी कमिश्नर इमरान उल हसन ख्वाजा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऊंट को कराची ले जाया गया है और जल्द ही उसे कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। उससे भी अच्छी बात यह है कि ऊंट को एक भारतीय की तरफ से यह कृत्रिम अंग प्रदान किया जा रहा है। घटना संदर के मूंद जमराव इलाके में उस समय हुई जब ऊंट एक खेत में चारा खाने के लिए घुस गया। इस बात से खेत का मालिक इतना नाराज हुआ कि उसने पहले अपने लोगों के साथ मिलकर ऊंट को जमकर पीटा और आखिर में उसका पैर काट दिया। एक खबर सामने आई है जिससे ये पता चला है कि हैवानों, जानवरों, इंडियन सिटीजन से बढ़ के हो तुम लोग वे। पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत तुम शैतान खौफनाक और हौलनाक वाकये पर अपनी खिदमात पेश की हैं और इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल लिंब तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। तो जरा इसकी डिटेल्स देखे लेते हैं। लेकिन इस खबर से
एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है इस वाक्य से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है, लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के ने एक दिल फराहम किया था, इंडिया का दिल लगाया गया था एक पाकिस्तानी लड़की को, कभी भी लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऊंट को कभी भी भारत के एक सिटीजन ने उसकी जो टांग है वो बनाकर भेजी है। जरा इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ एक दो दिन पहले ये वाकया बहुत ज्यादा वायरल हो गया और सब पाकिस्तान में लांते भेजी जा रही, तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि खबर ये सामने आई कि सांगढ़ में सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने, सिर्फ इस वजह से एक ऊंट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहां पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। इसी यार वीडियो खत्म, कसम से हम भारत जैसे कभी भी नहीं बन सकते भाई। इंसानियत हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, मर चुकी है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है भाई, जरा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यार, एक दूसरा कंट्री जिसको हमारे पाकिस्तानी लोग हमें दुश्मन बोलते हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया हमारा, हमेशा मुश्किल के टाइम पे साथ दिया, बेशक वो कोई हो, हमेशा मुश्किल के टाइम पे साथ दिया। अभी पाकिस्तान में एक और बच्चा वायरल हो रहा है जो इंडिया जाके इलाज के लिए जा रहा है। यार लानत है तुम लोगों पे, तुम इंडिया को ये बोलते हो और फिर वही इंडिया में तुम जाने बचाता है, जाने तुम्हारी वो बचाता है यार तुम्हारे, और वडेरे पे लानत यार, कसम से आज पूरे पाकिस्तान ने इसको धोया। वो जो सिंध गवर्नमेंट है यार, ये वडेरा शाही खत्म होनी चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये इंसान को इंसान समझो ना कि उसको जानवर बना दो। स्लेव्स का जमाना खत्म हो गया, जो गुलामों का जमाना होता था वो अभी नहीं रहा। सही बात यार, ये क्या भाई हो रहा है यार, इंसान उसने घास खा लिया तो टांग इसमें काटने की, कितना खाया होगा यार उसने, कितना खाया होगा उसको, घास सारा काटो और उसके पीछे दो, मैं कहता हूँ अब सारा, फिर लोग हम वही कुल्हाड़ा उसके पीछे दो। फिर हम पता है क्या बोलते हैं यार, हमारे मुल्क के साथ ऐसा क्यों होता है, मरना नहीं है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे मुल्क में कोई खुशी की खबर नहीं आती। फिर हम लोग ये बोलते हैं हमारा मुल्क आगे तरक्की क्यों नहीं करता, गुनाह ये इस तरह के, जब वो क्या कहते हैं हिंदी में, ये ऐसे मतलब काम जो करोगे ना तो फिर क्या भाई हमें होगा। सही बात है भाई, आप अंदाजा लगाओ, इन लोगों को ये नहीं पता कि इन्होंने मरना भी है। सही बोल, मरना सही मरना, कोई मरने से नहीं बच सकता, जितने तो मरा पति हो, मौत तुम्हें आनी है। सही बात है, सही बोला है, एक ना एक दिन तो मरना तो है ना, एक ना एक दिन तुमने मरना है, तो तुम कैसे मरोगे तुम ये सोचो। सही बात है, इसकी कोई टांग इसी तरह काटे फिर इसको पता चले। सही बात है, इसको टांग के बदले टांग इससे लेना चाहिए। आपका इसका कहना है अपने रिकमेंड सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो